नया चक्र है आपके बिंदु पर, मतलब लोकस तो बिंदु कहते कहते पर ये आप परिवर्तन आने चाहिए आप, मतलब यही है एक बिंदु से अन्य बिंदुओं का ऐसा पथ जो उसमें कुछ नियमों का पालन करे। मतलब जैसे मान लो ये बिंदु है और इसके आसपास अन्य कोई भी कई बिंदु दे रखे हैं, वो नियमों का पालन करे। नियम पालन मतलब कि अगर ये दूरी जितनी है उतनी दूरी आपके ये भी रहे, उतनी दूरी आपके ये भी हो, ये भी दूरी हो। ये कितना होता है ज्यादातर, ये होता है आपके वर्ग में। यहां से कह सकते हो एक बिंदु से अन्य बिंदुओं की दूरी ऐसी हो कि उससे बनने वाली आकृति चाहे आयत बने, चाहे वर्ग बने, चाहे वर्त बने, उससे जो भी आकृति बने उस बिंदु से अन्य एक आपके कोई भी नियम होना चाहिए। मतलब बराबर का होना चाहिए या संधिवाद का होना चाहिए, कुछ ना कुछ नियम आना चाहिए उसके अंदर। जैसे ये बिंदु दे रखा है, इस बिंदु का इन अन्य बिंदुओं से देखो ये वर्त है, वर्त के चारों जहां भी बिंदु लगाओगे इस सब में एक संबंध है। क्या है कि ये दूरी क्या है आपके बराबर। जैसे मान ये बिंदु है तो इस बिंदु से ये बिंदु जो दूरी है वही दूरी आपके इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, वही दूरी आपके इस बिंदु से सेम, वही दूरी आपके यहाँ पर भी। तो दूरी सब में क्या होनी चाहिए आपके सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये है तो इसमें खूब सारे बिंदु है इससे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिंदु पथ। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बिंदु पथ। जैसे ये बिंदु में वापस यहाँ बना दू, अब तो बनाया मैंने वर्ग के लिए, अब इस बिंदु के लिए मैं बनाता हूँ कितने दो बिंदु और एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ और यहाँ। और देखो तो इससे क्या होगा कि मैंने बताया था ना कि ये बिंदु से ये दूरी और ये दूरी क्या होनी चाहिए आपके बराबर। तो यहाँ भी होगा इस बिंदु से ये दूरी और ये दूरी क्या होगी आपके बराबर। अगर ऐसा होता है तो जैसे मान लो ये बिंदु है P, ये बिंदु है A और ये बिंदु क्या करेगा आपके B, ये P बिंदु दोनों से क्या है आपके बराबर बराबर दूरी पर स्थित है। तो क्या होगा अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है कि अगर मैं A और B को मिला दूं तो ये वाली जो रेखा है बीच में ऐसा वो क्या करेगी इस भुजा को दो भागों में बांटती भी है और 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। या ऐसा हो जाए ये दो बिंदु है इसका नाम है A और B, अगर ये रेखा इस रेखा के बीचों बीच से एक रेखा निकालते सीधी ऐसे, ये और ये क्या हो जाए आपके बराबर और यहाँ बीच में कितना डिग्री कोण आए 90 डिग्री, तो ये और ये क्या होती है आपके बराबर। अगर ये बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा और बीच में कितना डिग्री कोण आएगा 90 डिग्री। तो ये मैं बता रहा हूं ऐसे आप, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे आप जैसा देखो वर्क में बताया, वर्क में बताया हुआ ना कि ये वाला पार्ट था अभी आएगा नहीं अभी बारह पार्ट उसमें है आपके कि जीवा वर्त के केंद्र में हमेशा क्या होती है आपके 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमेशा ये और ये बराबर होती है और क्या होता है आपके 90 डिग्री का कोण होता है, वो आपके आएगा चैप्टर नंबर 12 में, जब वो पढ़ोगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा पार्ट। इसका मतलब ये है कि आपके ये वाला पॉइंट अगर इन दोनों से बराबर दूरी पर है तो ये दोनों बराबर होंगे और यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा आपके 90 डिग्री, और अगर यहाँ 90 डिग्री कोण हो और ये दोनों बराबर हो तो ये दोनों भी क्या होते हैं आपके बराबर। अब क्या होता है आप दोस्त सुन बता दो कैसे, यदि इन दोनों शब्दों को क्या करते हैं सर्वांशम, क्या करते हैं कैसे, देखो मान लो कि ये नाम है O या हम P है ना, ये वाला हो गया आपका Q, दो त्रिभुज लेंगे क्या नाम है A P Q, वह त्रिभुज कौन सा हो गया आपके B P Q, इन दोनों में हमें तीन चीजें बराबर करनी, पहली ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके बराबर हो जाएगी, क्यों है क्योंकि सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ। दूसरा ये भुजा और ये भुजा दोनों तरफ बराबर है, क्या हो जाएगी आपके PQ बराबर क्या है आपके PQ, या 90 डिग्री होगा या 90 डिग्री हो तो ये दोनों क्या होते हैं आपके बराबर। तो ये दोनों आपके बराबर है, क्यों है ये कॉमन, कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ हिंदी में, तो ये हो गया आपके उभयनिष्ठ। नंबर तीन ये दोनों कोण, कोण एक बराबर क्या है कोण, उसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांशम है त्रिभुज बी पी क्यू,
अगर सर्वांशम है तो अन्य भुजाएं क्या होंगी आपकी बराबर, इसका मतलब क्या हुआ AQ बराबर क्या है AQ बराबर BQ क्यों है बाई सीपी सीपी, इसका मतलब क्या हुआ अगर यहाँ दोनों भुजाएं बराबर है और यहाँ से भुजा निकलती है और सामने 90 डिग्री कोण बनाती है इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे हमेशा बराबर होंगे क्यों होंगे भाई सीपी सीधे होंगे। अब अगर उल्टा हो जाए इसका कि यहाँ पर 90 डिग्री तो है ये और ये दोनों क्या है आपके बराबर, अब हमें सिद्ध करना है ये दोनों बराबर है तो करना क्या है यही आपको यहाँ लिखना है, फर्क क्या करना है आपको ये जो भुजा ये वाला एपी और बीपी जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हटा कर लाएंगे यहाँ पर और उसको हटा कर लाएंगे यहाँ, वही नियम लगेगा सेम कौन सा वही आप ऐसे लगा दो वो भुजा और एक कोण का नियम लगा सकते हो ये देखो अगर AQ और BQ बराबर ये दोनों भुजाएं बराबर और ये दोनों भुजाएं बराबर ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर, ये तो ये होता है बिंदु पर मतलब ये पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पर हो ये दोनों भुजाएं बराबर हो तो हमेशा ये दोनों भुजाएं क्या होती है बराबर और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगी आपके बराबर होगी। चलिए उतारो अगला पॉइंट है वो ध्यान रखिए, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था कि अगर ये भुजा जैसे ए और बी है इसके बीच में कहीं एक बिंदु है ये क्या कहता है अगर ये दोनों बराबर हो तो क्या होता है इस रेखा पर क्या बनाता है ये दोनों को कौन सी बात नहीं करता है और 90 डिग्री का कोण भी बनाता है तो मतलब ये भुजा कौन सी पी क्यू क्या बोलो पी क्यू भुजा लंबी भी होती है एबी पर और साथ में क्या होती है आपके समद्विभाजक भी होती है क्या होती है साथ में समद्विभाजक और समद्विभाजक है तो ये दोनों क्या हो गए आपके बराबर ये आपको नियम ध्यान रखना है एक हो गया प्रमेय नंबर फर्स्ट इसका प्रमेय नंबर फर्स्ट क्या है फर्स्ट तो है कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये भुजा इस पर क्या होती है लंब समद्विभाजक और प्रमेय नंबर इसका उल्टा क्या होगा अगर यहाँ 90 डिग्री कोण और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों क्या होंगे आपके बराबर होगा ये तो हुआ आपने भुजा का समद्विभाजक अब है आपके कोण का समद्विभाजक कोण मतलब देखो दो रेखाएं आपस में ऐसे काट रही तो ये जो आपके ये जो बन रहा है वो कोण बन रहा है यहाँ क्या बन रहा है आपके कोण ये कोण 100 डिग्री हो सकता है ये 150 डिग्री कुछ भी हो सकता है ये वाला जो कोण है अगर इस कोण का हम क्या करते हैं अभी तो हमने क्या था भुजा का समद्विभाजक अब हम क्या कर रहे हैं अब हम कर रहे हैं कोण का समद्विभाजक मतलब ये वाले कोण और ये वाला कोण क्या है आपके बराबर अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है और अगर हम यहाँ पर कुछ दूरी पर कोई पॉइंट लें ये यहाँ पर तो यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा आपके 90 डिग्री का अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और हमने इधर भी 90 डिग्री का कोण बना लिया इसी पॉइंट से तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर मान लो ये ए है ये आपके बी है और ये आपके सी है और ये पॉइंट क्या हो गया आपके डी अगर हमने यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट से हमने इधर 90 डिग्री बढ़ाया और इस पॉइंट से हमने इधर 90 डिग्री बढ़ाया तो ये दोनों क्या होंगे हमेशा बराबर होंगे और अगर यहाँ पॉइंट लो और यहाँ से बना लो 90 डिग्री कोण इधर और फिर यहाँ से बना लो 90 डिग्री कोण इधर जैसे मान लो ये हो गया ई और ये क्या हो गया आपके एफ तो क्या होगा ए एफ बराबर क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा इसका उल्टा अगर ये दोनों बराबर है और यहाँ आपके 90 डिग्री कोण दे रखा है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर देखो ये बराबर है और यहाँ 90 डिग्री कोण है तो ये दोनों क्या होते हैं आपके बराबर ये कोण का यहाँ तो भुजा का समीकरण किया हमने ये भुजा की ये वाली भुजा को कितने भागों में बांट दिया हमने दो भागों में और यहाँ क्या हो रहा है कोण का समीकरण हो रहा है नियम क्या है कि अगर कोई कोण कैसा भी मान लो ये कोण है ये रहा मान लो ये कोण आप कितना डिग्री दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है हमने कर दिया इसका आधा आधा कर दिया इस पर कोई एक पॉइंट ले लो मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया और यहां मैंने बनाया 90 डिग्री का कोण और जितना नाप मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है और इधर से मैंने कितना लिया 3 सेंटीमीटर लिया तो यहां कितना बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा और ये भुजा क्या होगी आपके बराबर मान लो कि ये 5 है तो ये भी कितनी आएगी आपके 5 ही आएगी इसका उल्टा क्या कि ये दोनों बराबर है और मैं 90 डिग्री कोण बनाता हूं तो जहां ये पॉइंट मिलेगा ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी आपके बराबर पहले ये सिद्ध कर लो जैसे वो हमने सिद्ध किया ना सबसे ऐसे ऐसे वाला नियम का लगाया सिद्ध करना है ये त्रिभुज है एक त्रिभुज है क्या नाम है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज क्या हो जाएगा आपके ए सी डी से इन दोनों त्रिभुजों से
अब इसको फाद देगा ये और ये बराबर क्या नाम है सी डी बराबर क्या है आपके बी डी सी डी बराबर क्या है बी डी ये है क्वेश्चन में आपके दिया हुआ दूसरा ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या है आपके बराबर इसे कौन नंबर एक बराबर क्या है कौन नंबर दो ये भी सवाल के अंदर क्या है दिया हुआ एक और बोलो ये वाला क्या नाम है ए डी बराबर क्या हो जाएगा आपके ए डी ये हो जाएगा आपके उभय मतलब कॉमन कह सकते हो तो इसका मतलब क्या हुआ ये भुजा क्या होगी आपके बराबर अगर आप और नब्बे डिग्री हो सकता अगर आप नब्बे डिग्री लो अगर आप नब्बे डिग्री ये और ये लो तो ये दोनों आपस में बराबर होगा और ये दोनों आपस में क्या होगी आपके बराबर नाम चेंज कर लो अगर ये और ये अगर हटा दो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे आपके बराबर या ये भुजाएं क्या हो जाएंगे आपके बराबर आपको तीन चीजें बराबर करनी है कोई भी जो सवाल के अंदर दी हुई एक तो कॉमन एक कोण और एक तीसरी जो गाइड वो आपको लिखनी है बाकी हमारे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे आपको ध्यान रखना है ये है कि अगर किसी कोण का आधा हो रहा है और आधे होने के बाद ये वाला इधर कोई कोण बन रहा है इधर कोई कोण बन रहा है तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे आपके बराबर होंगे और ये दोनों हमेशा क्या होंगे आपके बराबर होंगे ये वाला नियम जानना है ये है आपके प्रमेय नंबर दूसरा और उस प्रमेय दूसरा क्या है ये उल्टा है ये प्रमेय नंबर एक आपके भुजा का संधि भाजन प्रमेय नंबर एक में क्या है भुजा का संधि भाजन हो जाए और आपके साथ क्या डबिटी बॉन्ड भी और प्रमेय नंबर दो में क्या है कौन का संधि भाजन क्या है आपके कौन का संधि भाजन इस पूरे चैप्टर 10.1 के अंदर आपके यही चीजें के ये देने का ये सिद्ध करना है ये देने ये सिद्ध करना सिंपल चीजें है और हर बार आपको यही बनना है ज्यादा कोई हार्ड नहीं है तो ये चीजें है इसके अंदर भुजा का और कोण का संधि भाजन दो और को पॉइंट जो इसमें आपके देने का है सही करो एट में बजाय था वर्क वाला बी वाला पॉइंट इसमें है अगर कोई दो रेखाएं क्या देने की आपके समांतर ये रेखा क्या देने की आपके समांतर जो आपके दूरी यहाँ पर है वही दूरी आपके इधर भी है वही बिंदु मैंने यहाँ पर लिया वही यहाँ पर लिया सेम तो ये जो भी बिंदु पद बनेगा ये बिंदु पर इन दोनों रेखाओं के क्या होगा आपके समांतर होगा अगर हम ऐसा बिंदुओं का बिंदु पर ले जो हमेशा इन दोनों से बराबर दूरी पर रहे तो वो रेखा भी आपस में क्या होती है समान मान लो कि एन रेखा होगी तो अगर एल समांतर क्या है आपके एम और हम ले ऐसा बिंदु पर मतलब बिंदुओं से बना पर अगर हम पथ ले ऐसा तो क्या होगा अगर जिसमें जो बिंदु पथ ले रहे हैं वो पथ क्या है आपके L व M से क्या है समान दूरी पर L M से क्या है आपके समान दूरी पर है दूरी ये समान है ये वाला गैप बराबर है उसका मतलब क्या होगा L समांतर होगा M के और समांतर होगा N के ये हो जाएगा तो तीनों समांतर हो जाएगी आप इसका उल्टा ये है कि अगर मान लो ये रेखा बीच में है और अगर हम इधर कोई पॉइंट लें और इधर भी हम ये पॉइंट लें और ये दूरी क्या है आपके बराबर है तो ये रेखा इन तीनों के क्या हो जाएंगे आपके समांतर इसका उल्टा भी कर सकते हैं मतलब इनके बीच में कोई रेखा है और दूरी बराबर हो तो तीनों रेखाएं क्या होती है समांतर या बीच में कोई रेखा है इस रेखा से ये जो गैप है आपके लगातार क्या है आपके बराबर दूरी पर ये जो गैप है वही गैप यहाँ पर है यहाँ जो गैप है अंतर है वही अंतर यहाँ पर है तो तीनों भुजाएं क्या होगी आपके समांतर होगी ये इसमें दे रखा है आपके बी पॉइंट और ये सी पॉइंट भी दे रखा है तो ये को आपके दे रखा है कि ये दो रेखाएं जो बताया ये भी मैंने बताया था कोण वाला यदि दो रेखाएं आपस में क्या हो दो रेखा समकोण बिंदु और बिंदु पर मतलब दो रेखाएं आपस में अलग जब समांतर भी हो सकती है और पथिक्षेप भी हो सकती है दो रेखाएं आपस में क्या होता है या तो दोनों रेखाएं क्या होंगी समांतर और अगर समांतर नहीं हुई थोड़ी सी भी तिरछी हो गई तो वो रेखा क्या कहलाएगी आपकी पथिक्षेप अब मान लो एक ऐसी है और एक ऐसी है आज में तो कभी न कभी तो मिलेगी अगर बीच में अगर आपके वो 180 का अंतर कोण नहीं है बताया मैंने 9th क्लास में अगर 180 का अंतर कोण नहीं है तो ये रेखा आपस में क्या हो जाएगी मिल जाएगी
और मिल जाएगी। दो रेखाओं में क्या क्या संबंध होता है, एक तो रेखाएं क्या होती है प्रतिच्छेदी, एक तो क्या होती है प्रतिच्छेदी, और दूसरा नियम क्या होता है आपके समांतर। दो रेखाएं आपस में समांतर भी हो सकती है और वही रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट सकती है। समांतर तब होगी जब दूरी क्या है आपके एक समान, और काटेगी कब, जब आपके दूरी एक समान नहीं हो, थोड़ी सी तिरछी हो जाए। हमारे ये रेखा आ गई और एक दूसरी ये वाली, यहाँ दूरी तो है आपकी ज्यादा और यहाँ दूरी क्या हो गई आपकी कम, तो ये रेखा क्या होगी आगे जाकर मिल जाएगी। और मिलने के बाद वो बताए कौन वाला नियम, यहाँ तो लगेगा वो वाला नियम कौन सा, भुजा का संधि बनने वाला, और यहाँ लगेगा आपके कोण का संधि बनने वाला नियम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर एक का पहला क्या दिया हुआ है, किसी रेखा से, ये हो गई रेखा कहते हैं हमने, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदु, देखो इससे समान अभी बनाया था, मैंने क्वेश्चन अभी बनाया था, यहाँ पर क्या कह रहा, किसी रेखा से समान दूरी पर कुछ बिंदु है और ये बिंदु का क्या है, ये बिंदु पद है। तो ये कह रहा है कि किसी रेखा से बिंदुओं का बिंदु पद, इसने कहा ये होता है रेखा, ये रेखा रेखा ये रेखा होती है रेखा समांतर रेखा होती है, कौन रेखा होती है समांतर। मैंने बताया था अगर ये दूरी क्या होती है बराबर, तो सामने सामने वाली रेखा है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है समांतर रेखा कहलाती है, ना कि केवल रेखा। तो ये कथन क्या है आपके असत्य, इसने कहा केवल रेखा होती है लेकिन अगर दूरी बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं समांतर रेखा बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पहला क्या हो जाएगा आपके असत्य, ये तो कह रहा है केवल रेखा होती है लेकिन ये रेखा नहीं होती, रेखा होती है समांतर रेखा होती है, तो समांतर रेखा होती है केवल रेखा नहीं होती, मतलब रेखा दृष्टि भी होती है तिरछी रेखा, थोड़ी सी तिरछी है लेकिन दूरी बराबर है, दूरी बराबर है तो हो जाएगी समांतर रेखा, और अगर दूरी बराबर नहीं है मान लागू भी जाए वो क्या हो जाएगी प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगी। दो रेखाओं में एक या तो होगा वो समांतर या होगा वो प्रतिच्छेद, दोनों में से कोई एक ही होता है, दूरी बराबर है तो समांतर रेखा आ जाएगी। नंबर दो क्या कह रहा है, एक वर्ग उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर है। मैंने बताया था ना अभी एक बिंदु है उससे अनेक बिंदु है वो सब क्या है आपके नियत दूरी पर है, फिक्स दूरी, ये दूरी ये वाली दूरी स्थायी दूरी क्या है आपके बराबर है, मतलब समझ लो कि वर्ग की क्या है त्रिज्या है, अगर त्रिज्या बराबर होगी तभी चारों ओर क्या बनेगा आपके एक वर्ग बनेगा। ये कथन क्या है आपके सत्य, क्योंकि वर्ग बन रहा है, अगर बीच में कोई बिंदु है और उसके चारों ओर दो बिंदु है वो सब एक ही दूरी पर है, अगर सारे एक ही बिंदु पर है सारे एक ही दूरी है तो जो बनने वाली जो आकृति है उससे हम क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। तो ये वर्ग में होता है कि अगर बीच में केंद्र दे रखा है और चारों ओर दूरी एक समान है तो वो हमेशा क्या होता है आपके वर्ग बनता है। नंबर तीन, दिए गए बिंदु दिए गए तीन दिए गए बिंदु, अगर बिंदु तीन हो तो तीनों बिंदु सरेखी तभी होंगे जब समुच्चय क्या है आपके समुच्चय का अवयव नहीं हो। देखो इसने कहा है तीन बिंदु दिए हुए और तीनों बिंदु क्या है आपके सरेखे, बताओ तीन बिंदु सरेख होते हैं क्या, ये बिंदु दे रहेगा बीच में और मान लो कि ये दूरी कितनी दे रहेगी आपके पांच और ये दूरी कितनी दे रहेगी आपके पांच, मान ये समझ लो यहाँ पर ये वर्ग है वर्ग यहाँ केंद्र दे रखा है, मान लो ये ओ दे रखा है, अब ये वाला जो आपके बिंदु आ रहा है दूसरा बिंदु ये आ रहा है, बताओ तीसरा बिंदु उस रेखा, देखो इससे बनने वाली रेखा बनेगी इससे सीधी रेखा, इस रेखा पर क्या तीसरा बिंदु आएगा, इतने आप तीनों बिंदु सरेख, सरेख मतलब क्या होता है तीनों बिंदु एक ही रेखा पर, आप फटा चैप्टर नंबर 9 में सरेख का मतलब होता है कि ये ए ये बी और तीसरा बिंदु भी आपके यहीं पर आ रहा है। अब बताओ ये ए आ रहा है ये बी आ रहा है, अब बताओ बिंदु पद कहाँ आया, बिंदु पद यहाँ है कि बिंदु पद यहाँ से होकर यहाँ आया हुआ है, बिंदु पूरा वर्ग के चारों ओर है, तो अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी दो बिंदु बराबर हो जाएंगे, इसलिए तीसरा बिंदु सरेख है, सरेख मतलब क्या है यहाँ पर या यहाँ पर कहीं एक बिंदु आया हुआ तीसरा सी तो क्या बिंदु पद पर आया हुआ है, वो बिंदु पद पर नहीं आया हुआ है, वो कहाँ आया हुआ है ये ए बी और बीच में आया हुआ यहाँ पर सरेख है, तो फिर आपके तीनों बिंदु का सरेख है तो बिंदु पद पर नहीं आएगा, मतलब ये बिंदु पद है चारों ओर गोल, तो ये है आपके केंद्र और ये चारों ओर आपके गोल है, ये बिंदु पद है, ए बिंदु पद पर आ रहा है बी भी बिंदु पद आ रहा है लेकिन सी बिंदु पद पर नहीं आ रहा, ये कह रहा है आ रहा है, ये कथन क्या हो जाएगा आपके ये असत्य हो जाएगा। हमेशा सीधी रेखा पर केवल दो भुजाएं ही बराबर होती है,
ऐसा नहीं है कि तीसरी भुजा ऐसे आपने बना दी, ये आपके कभी भी बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तीनों को बराबर आपके हमेशा ये और ये बराबर होती है। और फिर तीसरी भुजा बनाओगे तो आपके बीच में वो होता ना, वो मतलब नबड्डी बनाते हैं कौन, यहाँ बनाते हैं नबड्डी के कौन, तो यहाँ बनेगा नबड्डी के कौन। अगर आपने तीसरी भुजा यहाँ बना ली बताओ बीच में नबड्डी कौन बनेगा, यहाँ तो यहाँ बनाओगे तो इससे नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा नहीं तो फिर आपके ये कौन का आधा भी नहीं होगा, ये दोनों भुजाएं भी आपके बराबर नहीं होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर आपके तीसरा नहीं दे रखा है आपके, तीन असहज बिंदु है ए बी सी, तो यही वाला आपके समझा दूंगा बाद में। और यही पॉइंट ये यही कह रहा है कि ए बी सी संरेख है, मतलब सीधी रेखा पर आए हुए हैं और तीनों बिंदु पद पर आए हुए हैं, तीनों बिंदु पद नहीं आए हुए, केवल ए और बी बिंदु पद पर आया हुआ है, सी आपके बिंदु पद पर नहीं है, तो आपके ये क्या हो जाएगा, कथन क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। आया समझ ये वाला, ये कह रहा है तीनों बिंदु संरेख भी है और तीनों बिंदु पद पर आए हुए हैं, लेकिन तीनों संरेख जरूर हो सकते हैं लेकिन तीनों बिंदु पद पर आए हुए नहीं होते। अगला है आपके नंबर चार, नंबर चार दे रखा है दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु बिंदु पद, रेखाएं क्या होती है आपके समांतर, क्या कह रहे हो, दो रेखाएं उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद, दोनों रेखाओं के क्या होगी आपके समांतर रेखा होगी। देखो दो रेखाएं हैं, दोनों क्या है एक समान, दोनों क्या है एक समान, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर दे दी क्या होगी आपके 5 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से देखना है, नाम पढ़ना है, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पद, मतलब ये भी आपके एक समान है ये भी एक समान है, क्या ये दोनों रेखाएं हमेशा समांतर होगी। मैंने बताया ऐसे दो तरीके होते हैं, अगर भुजाएं दो है तो क्या हो सकती है, समांतर भी हो सकती है और प्रतिच्छेद भी हो सकती है, तो प्रतिच्छेद भी हो सकती है और समांतर भी हो सकती है, इसने क्या लिखा है पर केवल समांतर ही लिखा है, तो समांतर नहीं हो सकती, क्या हो सकती है प्रतिच्छेद भी हो सकती है और समांतर भी हो सकती है, तो इसने यहाँ दोनों लिखने दिए थे, तो ये कथन भी हो जाएगा आपके असत्य। ये कह रहा है कि हमेशा समांतर ही होगी, तो हमेशा समांतर नहीं होती, कभी कभी क्या हो जाती है आपके थोड़ी सी भी तिरछी हुई लाइन तो वापस से क्या हो जाएगी यार प्रतिच्छेद हो जाएगी। अब है नंबर पांचवा, नंबर पांचवा क्या कह रहा है, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद, दो दिए गए बिंदुओं से, दो बिंदु दिए गए, ये बिंदु है और ये बिंदु है, बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, इन दोनों से एक समदूरस्थ बिंदु है बिल्कुल बीचों बीच बिंदु पद से मिलान, देखो मिलान वाली रेखा, मतलब एक तो ये रेखा हो गई और एक ये रेखा, ये इसको हमेशा क्या होती है लंब अंतर होती है, ये बताया ना मैंने भुजा समी वजन, हमेशा अगर कोई रेखा दे रखी है जिसमें देखो दो बिंदु है, एक बिंदु ए एक बिंदु क्या दे रखा आपके बी, मैंने ऐसे उल्टा बना दिया, ऐसा समझ लो दो बिंदु है, दो बिंदु का बिंदु पद ये रहा है, दो बिंदु का बिंदु पद हो गया, इसके क्या दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद, मतलब समदूरस्थ है, मतलब यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके बराबर, तो बराबर है तो क्या होगा इससे मिलाने वाली रेखा यहाँ क्या होगी लंब समद्विबाहु, मतलब ये दोनों बराबर ही होती है और 90 डिग्री का कोण ही बनाती है, कहते सत्य है सत्य है सत्य है, मैंने बताया भी भुजा का समद्विबाहु अंतर क्या होता है आपके लंब समद्विबाहु होता है, तो ये दो बिंदु है इसको मिलाने पर अगर कोई बिंदु को तीसरा बिंदु बनाते हैं और ये दूरी बराबर है तो ये भुजा इस भुजा पर क्या होगी लंब समद्विबाहु, मतलब 90 डिग्री कोण ही बनाएगा और दोनों भुजाओं क्या करेगा दो भागों में भी बांटेगा, ये कथन क्या है सत्य हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर दो, ये तो आपके वो कौन सा है क्लास 9 का यस बार है, ये चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं समद्विबाहु करते हैं, तो हमें बताना है कि वो क्या है आपके एक समान चतुर्भुज है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है, ये ए है ये बी है ये सी है और ये डी है, ये बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है आपके समान चतुर्भुज है। अब सवाल में क्या दिया हुआ है, ये लिखना है सवाल में दिया हुआ है कि विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे का समद्विबाहु, यहाँ है विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं विकर्ण एक दूसरे को, या विकर्ण परस्पर क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विबाहु करते हैं, मतलब ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं, मतलब ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, मतलब के ए ओ बराबर क्या है सी ओ और बी ओ बराबर क्या है डी ओ, ये दोनों बराबर ये बराबर। अब देखो ऊपर देखो
एक ध्रुव लेना है आपको ये वाला, एक लेना है आपको ये वाला, उसका नाम क्या है AOB, उसका नाम क्या है COD। तो त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD से हमें तीन चीजें बराबर करनी, कौन सी देखो ये भुजा इसके बराबर भाग दिया भाई, AO बराबर क्या है इस त्रिभुज की भुजा AO और इस त्रिभुज की भुजा CO बराबर है, तो ये हो जाएगा AO बराबर CO। कारण क्या है सवाल के अंदर दिया हुआ, या लिख सकते हो कि विकर्ण परस्पर क्या होते हैं समद्विबंध। नंबर दो, इस त्रिभुज की भुजा ये और इस त्रिभुज की भुजा ये, BO बराबर क्या है DO, BO बराबर DO वही आप सेम सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ। नंबर तीन बताओ, नंबर तीन कौन सा बराबर होगा, ये वाला कौन और ये वाला कौन, कौन एक बराबर होगा कौन बताओ, ये दोनों कौन बराबर क्यों है, फिर से दोनों कौन, जब भी रेखाएं आपस में काटती है इधर वाला दोनों कौन बराबर होंगे और ये दोनों कौन आपस में क्या होंगे आपके बराबर, ये 50 ये भी 50 ये 100 तो ये भी 100 बराबर होंगे, तो ये कारण हो गया आपके कौन सा सिरसा द्विमुख कोण। बताओ नियम कौन लगा, दो भुजाएं एक कोण, ये आ जाएगा एस ए एस, नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम है त्रिभुज सी ओ डी के, अगर सर्वांशम है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि सर्वांशम है तो तीन भुजाएं हैं तो तीन कोण आपस में क्या हो जाएंगे आपके बराबर। मान लो कि ये कोण नंबर आपके तीन है और ये कोण नंबर कितना आपके चार, तो कोण नंबर तीन बराबर है कोण नंबर चार। अब देखो ये क्या हुआ बाई सी। अब देखो ध्यान दो, ये दोनों कोण बराबर, नियम होता है देख लेना, अगर रेखाएं समांतर है, अगर रेखाएं क्या है तो उसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। अब ये कोण बराबर रेखाएं क्या हो जाएगी, देखो रेखाएं समांतर तो कोण क्या होते हैं आपस में बराबर, अब कोण बराबर तो रेखाएं क्या हो जाएगी समांतर, तो ये वाले कोण क्या कहलाते हैं, ये वाले कोण क्या कहलाते हैं एकांतर कहलाते हैं, ये कोण कहलाते हैं एकांतर कोण, मतलब एक इधर का और एक इधर का, इसको आप क्या मान लो एकांतर कोण मान लो। देखो नियम है अगर रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर, अब एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं क्या हो जाएगी बात है, ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएगी समांतर, मतलब ए बी समांतर क्या हो जाएंगे आपके डी सी, ये वही समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार अब ये दोनों त्रिभुज लेंगे, एकता करने की जरूरत नहीं, आप क्या लोगे आप क्या लोगे, इसी प्रकार जैसे हमने इन दोनों को समांतर करना है वैसे यही चीज लिखकर ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगी समांतर, एडी समांतर क्या हो जाएगी डीसी, वैसे हो जाएगा एडी समांतर डीसी। और जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो वो कौन सा चतुर्भुज होता है बताओ, लिख सकते हो अतः ए बी सी डी एक क्या है समांतर चतुर्भुज, ये तो आपके चैप्टर 9 का सवाल दे रखा है।